रोजाना की तरह एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। आइए आपको रूबरू कराते हैं शाहजहांपुर की तमाम छोटी बड़ी खबरों से। सिंधौली के गांव महोदुर के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्राली खाई में जा पलटी। ट्रैक्टर ट्राली के नीचे दबकर 25 से 30 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से ट्रैक्टर ट्राली से नीचे दबे लोगों को निकालकर प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंधौली में भर्ती कराया। यहां पर गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि ट्राली में सवार लोग थाना क्षेत्र सिंधौली के गांव कीरतपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होकर वापस अपने गांव जा रहे थे। सभी घायल जनपद पीलीभीत के रहने वाले हैं। पोया थाना क्षेत्र के नहिलोरा गांव के रहने वाले नागेश का अपने परिवार के वीरपाल और हरिओम से विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। इसी बीच नागेश की पत्नी की गोद से 3 महीने का बच्चा छूटकर जमीन पर गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिवार के लोग मासूम की हत्या का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। खुटार नगर के मोहल्ला देवस्थान निवासी भगवान दास 18 नवंबर को खुटार के पूर्व में जंगल से लकड़ी बीनने गए थे, लेकिन रात को घर वापस नहीं पहुंचे। परिवार के लोगों ने पास पड़ोस वाले चढ़ारी में तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लग सका। परिजनों ने लापता युवक की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई थी। दोपहर बाद गाँव मोहम्मदपुर सैजनिया जंगल में भगवान दास का सड़ा हुआ शव मिला। इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भगवान दास के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रोजा थाना क्षेत्र के कस्बे के रहने वाले अबे का अपने पड़ोसी दुर्गेश से सब्जी का ठेला लगाने को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों में लाठी डंडे चलने लगे। इतना ही नहीं, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। लाठी डंडों और पथराव में दोनों पक्षों के लगभग 7 लोग घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, यहां उनका इलाज चल रहा है। मंडा क्षेत्र में जट्रोफा का बीज खाने से बीमार हुए बच्चों का हाल चाल जानने के लिए जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और पुलिस अधीक्षक एस चन्नप्पा जिला अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने बच्चों का हाल चाल जाना और डॉक्टरों को अच्छा इलाज करने के निर्देश दिए। तिलहर तहसील में लेखपालों ने उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के बैनर तले अपनी 8 सूत्री मांगे न माने जाने को लेकर प्रदर्शन किया। लेखपाल अपनी वेतन विसंगतियों, वेतन के उच्चीकरण, मोटरसाइकिल भत्ता और खाली पदों को भरे जाने जैसी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। लेखपालों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन तिलहर के SDM को सौंपा। तिलहर रेलवे स्टेशन पर ट्रैक की मरम्मत का कार्य चलने की वजह से स्टेशन निगोही रोड पर लंबा जाम लग गया, जिसमें एक एम्बुलेंस मरीज को ले जाते समय फंस गई। प्लेटफार्म नंबर 2 पर मरम्मत होने की वजह से सभी ट्रेनों को प्लेटफार्म नंबर 3 से निकाला जा रहा है। इसी वजह से रेल फाटक बहुत देर तक बंद रहता है, जिससे जाम की स्थिति पैदा हुई। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चन्नप्पा ने पुलिस लाइन में महिला रिक्रूट आरक्षण की चल रही परीक्षा कक्ष का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक एस चन्नप्पा के साथ SPCT और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। संविधान दिवस के मौके पर पुलिस कार्यालय में शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चन्नप्पा ने पुलिस कार्यालय में नियुक्त समस्त अधिकारियों को संविधान दिवस के मौके पर शपथ दिलाई और अपने कार्य के प्रति निष्ठा और ईमानदारी प्रति रहने का कहा गया।